सो हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम कुमार पांडे और आज हम कॉलेज के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अब कॉलेज के टॉपिक पर कहने का मतलब है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब आइदर आप 12th में होंगे या आपने एक आध साल का ड्रॉप लेके रखा है, या फिर हो सकता है आप अपने किसी रिलेटिव के लिए देख रहे हो, तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब आपको कॉलेज पाने में कन्फ्यूज़न हो रहा है और साथ में आपने ऑलरेडी ब्रांच चूज़ कर लिया है। और अगर आपको ब्रांच चूज़ करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो के आई बटन पर मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उस वीडियो का पूरी तरह से देख लीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया है सारे ब्रांच का, या तो फिर मैं सेम वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दूंगा। तो एक बार अगर आपने ब्रांच को चूज़ कर लिया तो आपको कॉलेज पाने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। अब जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में भी मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया है 15 एस्पेक्ट्स को लेकर, जिसके थ्रू आप अपने लिए बेस्ट कॉलेज का चुनाव जरूर ही कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। तो हम चलते हैं और उन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो हमें इन्फ्लुएंस करेगा वो है कॉलेज रीच एंड इस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पर कॉलेज रीच और इस्टेब्लिशमेंट कहने का मतलब है कि कॉलेज कब बना है। तो कॉलेज बने होने का हमारे कॉलेज चूज करने के प्रोसेस में एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कॉलेज हमारा जो जितना पुराना होगा उतने उसके अच्छे नेटवर्क होंगे या उसकी उतनी अच्छी फैसिलिटी होगी। इसका मतलब क्या है कि हमारा कॉलेज जितना पुराना होगा उतने ही उससे ज़्यादा एलमनी निकले होंगे, उतने ही ज़्यादा कंपनीज उस कॉलेज के लिए अप्रोच किए होंगे, जिससे कि उस कॉलेज का जो नेटवर्क है वो स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उनको अगर अच्छा स्टूडेंट या एक अच्छा ट्रेनी अब उनको एक अच्छा स्टूडेंट अगर उस कॉलेज से मिल जाता है तो उस कॉलेज में दोबारा आने वाले हैं। या फिर अगर हम स्टार्टअप करते हैं, उस कॉलेज में रहते हुए स्टार्टअप करते हैं, तो हो सकता है हमारे लिए उस कॉलेज में एक अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड कर दिया जाए, या उस कॉलेज से जो एलुमनी निकले होंगे उनके थ्रू भी हमें कुछ अच्छे मदद मिल जाए। तो कॉलेज हमारा जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा होगा। तो मिनिमम 15-20 ईयर का पुराना कॉलेज ही चूज़ करिएगा, जिससे कि आपको अच्छे नेटवर्क का फ़ायदा मिले। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं वो है कॉलेज रैंकिंग। अब कॉलेज रैंकिंग का भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। कैसे? हमारे पास अगर कॉलेज, अब देखिए मैंने इतने सारे यहाँ पर एस्पेक्ट लिखे हैं, इतने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, अब इन सारे पॉइंट्स को जो भी रैंकिंग करते हैं, जो भी रैंकिंग हमें हमारे कॉलेज को देंगे, वो इन सारे एस्पेक्ट्स को भी देखते हैं। तो अगर हमारे कॉलेज का रैंक अच्छा हुआ तो डेफिनेटली हमें इन सारे बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, या हम कॉलेज का रैंकिंग देख के बाद में इन पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो कॉलेज का रैंकिंग जरूर ही देखिएगा, पर हमें अंधा होकर कॉलेज का रैंकिंग नहीं देखना है। अब अंधा होकर नहीं देखना है का मतलब, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप जब NIRF के साइट में जाएंगे तो वहाँ आपको VIT वेल्लूर का जो पॉइंट है, जो रैंक है, वो आपको ऊपर मिलेगा IIT इंदौर से और IIT BHU से। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो सकता। ऑफकोर्स एक IIT VIT से ज़्यादा वेटेज रखता है। तो हमें अंधा होकर नहीं देखना है, पर हाँ जरूर से आप रैंकिंग देख लीजिएगा। साथ में यहाँ पर हमारे पास तीन रैंकिंग है, NIRF और भी रैंकिंग होते हैं, पर मैंने तीन हाईलाइटेड रैंक देने वाले अथॉरिटीज का बात किया है। यहाँ पर NIRF, NAC एंड NBA। तो ये जो NIRF है, यहाँ से आपको जो रैंक मिलेंगे वो कॉलेज और कॉलेज के सुविधाओं के ऊपर साथ में एकेडमिक्स के ऊपर दिया जाता है, और ये टेक्निकल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, जो NAC है वो टेक्निकल नहीं है, वो टेक्निकल नहीं है, पर जो NBA है वो टेक्निकल और मैनेजमेंट वालों का है। तो आपको NIRF का तो देखना ही है, साथ में NBA का भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये है जो है NBA, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन, वो इंजीनियरिंग या टेक्निकल और मैनेजमेंट वालों को रैंक, मैनेजमेंट वाले कॉलेज को रैंक करता है। तो अब इसको देखने के बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चल देते हैं, कैंपस। अब हाँ, मैं इन सारे पॉइंट्स का जहां पर चर्चा कर रहा हूं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे एक सीक्वेंस पर हैं। तो सीक्वेंस में बताने का रीजन ये है कि कैंप आपको इसी सीक्वेंस में ही आपके कॉलेज को चुनाव करना होगा, आपके कॉलेज का चुनाव इसी सीक्वेंस में ही करिएगा, ये आपके लिए बेस्ट सुइटेबल सीक्वेंस होगा। तो अब जो नेक्स्ट सीक्वेंस हमारे पास आता है उसमें जो पॉइंट है वो है कैंपस। अब हमारे पास अगर बड़ा कैंपस होगा कॉलेज का तो अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है भैया,
क्यों? क्योंकि जितना बड़ा कैंपस उतना ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, उतनी ही ज्यादा फैसिलिटी। अब फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? अगर आपके कॉलेज का कैंपस बड़ा है तो आपके स्पेसिफिक ब्रांच के बिल्डिंग्स भी बड़े होंगे, उतने ही ज्यादा लैब्स होंगे, उतने ही ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगे, जैसे कि आपके कॉलेज में जिम भी होगा, आपके कॉलेज में प्लेग्राउंड भी होगा, इवन आउटडोर इंडोर दोनों। तो जितने बड़े कैंपस उतना ही बड़ा हमको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मिलेगी, साथ में जितना बड़ा कैंपस उतना बड़ा आपका आपके उतने ही बड़े आपके लैब्स, तो लैब्स में ज़्यादा मशीनें आ सकेंगी, साथ में एक बच्चे के पीछे आपको ज़्यादा से ही ज़्यादा मशीनों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, तो आप वहाँ पर ज़्यादा सीखेंगे। तो कैंपस का बड़ा होना भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अब इसके बाद कैंपस के बाद आप आ जाइए प्लेसमेंट की ओर। तो कॉलेज में हमारा प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप ऐसे कॉलेज में जाएंगे जहां प्लेसमेंट ढंग से होता नहीं है, तो उसका मतलब ही क्या है? आपने पैसे खर्चे तो कर दिए लेकिन आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो प्लेसमेंट भी बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। अब प्लेसमेंट का रेशियो मैं देखने को बोल रहा हूं आपको, यहां पर मैंने लिखा है प्लेसमेंट रेशियो। तो प्लेसमेंट रेशियो का मतलब क्या है? अगर आप ऑनलाइन साइट में जाकर कॉलेज के बारे में जानेंगे तो वहां आपको प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, पर वो आपको कितने परसेंट हैं ये शायद नहीं बताएंगे, या कुछ कुछ साइट में आपको पता चल जाएंगे लेकिन मोस्ट ऑफ दी साइट्स में नहीं पता चलते। तो आपको प्लेसमेंट का रेशियो भी देखना है, परसेंटेज भी देखना है, कि आपको पर 1000 स्टूडेंट्स में कितने बच्चे प्लेसमेंट मिल रहे हैं, कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है। साथ में आपको प्लेसमेंट, ये दोनों पॉइंट्स इंटर रिलेटेड है। कैसे? प्लेसमेंट रेशियो जो है वो आपको स्पेसिफिक ब्रांच के लिए भी देखना है, क्योंकि आप जिस ब्रांच में एडमिशन लेंगे उस ब्रांच में कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, साथ में कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है, वो भी आपको ध्यान देना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अब आप उस प्लेसमेंट वाले टॉपिक के बाद सैलरी की ओर आए, तो आपको पर्टिकुलर ब्रांच में, एक स्पेसिफिक ब्रांच में आपको उसके सैलरी पैकेजेस भी देखने हैं। तो आप किसी साइट में जाते हैं या कॉलेज के ऑफिशियल साइट में जाएंगे, तो आपको लिखा मिलेगा कि आपके यहां जो सैलरी है वो 1 करोड़ गई है, 2 करोड़ गई है, 50 लाख गई है, पर हमेशा एवरेज पैकेज, एवरेज सैलरी को हमको कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि वो जो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 50 लाख जो भी पैकेज आपको मिलेंगे वो गिने चुने होते हैं, वो आपको हर बच्चे को नहीं मिलते। आपने एक बार आपने ब्रांच में जाकर उसके प्लेसमेंट देखे, तो वहां प्लेसमेंट में आप जाकर एवरेज पैकेज भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर 50 बच्चे हैं तो उसमें से हो सकता है एक बच्चे, वो भी किसी किसी ईयर में मिलते हैं, वो भी किसी एक कंपनी आकर अचानक उठा के ले जाती है, तो गिने चुने होते हैं। तो हमेशा एवरेज पैकेज को देखिएगा, ठीक है, ना तो मिनिमम ना तो मैक्सिमम, हमेशा एवरेज। जैसे कि आपको किसी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं तो वहां का एवरेज पैकेज 5 से 6 लाख है, तो आप बेशक वहां पर उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वहां पर एवरेज पैकेज आपको 2 लाख मिल रहा है, 3 लाख मिल रहा है, 1.5 लाख मिल रहा है, तो वो कॉलेज में एडमिशन लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके बारे में हम चर्चा यहां पर भी अभी करने वाले हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट में। तो आप उस कॉलेज का सैलरी पैकेज भी जरूर देख लीजिएगा स्पेसिफिक ब्रांच के साथ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर। अब आप किसी कॉलेज में जाते हैं तो आप सिर्फ पढ़ाई करने नहीं जाते, ठीक है ना, आपको सारे एक्सपोजर भी मिलने चाहिए, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी वहां होने चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अब हम देखते हैं टेक फेस्ट। किसी किसी कॉलेज में टेक फेस्ट ही नहीं होता, गेम्स, इंजीनियरिंग डे अच्छे से मनाया जाए, फंक्शंस में आप देख सकते हैं हैकेथॉन, क्विज। अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हैं वहां हैकेथॉन नहीं होता, वहां टेक फेस्ट नहीं होता, तो आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा। अब अगर आप ऐसे सोच के जाते हैं कॉलेज में कि आप सिर्फ पढ़ाई ही करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको एक्स्ट्रा करिकुलर में भी ध्यान देते रहना चाहिए, वो जरूरत होती है आपकी। हो सकता है आप किसी टेक फेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दे, कोई आपको देख ले या आपको सेलेक्ट कर ले किसी कंपटीशन के लिए, तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर में भी एज वेल एज ध्यान देना पड़ेगा। साथ में गेम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इंजीनियर्स डे देख रहे हैं, तो इंजीनियर्स डे में भी आप किसी किसी फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते रहिएगा, जो आपके बॉडी लैंग्वेज को, आपके कॉन्फिडेंस को इन्हेंस जरूर ही करेगा। अब हम आते हैं, तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी ध्यान देना है। आपको कॉलेज में साइट में जाकर देखिए आपका टेक फेस्ट होता है, गेम्स होता है, इंजीनियर्स डे होता है कि नहीं। अगर नहीं होता तो फिर मेरे ख्याल से वहाँ जाना बिल्कुल ही नाइंसाफी होगी आपके लिए। तो आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये जो पॉइंट है 7th पॉइंट, वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
क्योंकि यहां पर इस पॉइंट में हम जानने वाले हैं कि हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमको कितना रिटर्न मिल रहा है। अब आप किसी कॉलेज में जा रहे हैं, आपने 50 लाख खर्चा कर दिया, आपने 50 लाख खर्चा कर दिया, आपको रिटर्न मिल रहा है 10 लाख का या 5 लाख का, तो वो कोई मतलब नहीं है। तो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखना पड़ेगा। अब हम यहां पर मैंने लिखा है ग्रेटर देन 25-30%, तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं कि आप एक एग्जांपल लीजिए, ठीक है। आप किसी कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, उस कॉलेज में आपके पर ईयर का जो ट्यूशन फी है वो 3 लाख, ठीक है। अब ट्यूशन फी तो आप वहां पर वहां रहेंगे तो आपके खर्चे भी एक्स्ट्रा होने वाले हैं, हॉस्टल फी देना पड़ेगा, लॉजिंग सब, इवन फूडिंग का सबका पैसा तो आपको खर्चा करना ही है। तो आप जो 3 लाख ट्यूशन फी है उसमें 2 लाख एक्स्ट्रा कर लीजिए, तो हो जाता है आपका एक साल का 5 लाख। तो आपने पूरे 4 साल में कितना खर्चा किया? 20 लाख। मैंने यहाँ पर आपके रूम रेंट, आपके एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस, साथ में फूडिंग लॉजिंग का भी जोड़ के बताया है, ठीक है। तो आप जब वहाँ देते हैं कितना देते हैं? 5 लाख एक साल का, 5 लाख मतलब 4 साल का 20 लाख। अब आप वहाँ से जब निकलते हैं आपका प्लेसमेंट होता है 2 लाख का, 2.5 लाख का, 3 लाख का, तो इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको 3 लाख का प्लेसमेंट लगता है तो आप सोचिए आपको 6 से 7 साल तो सिर्फ वहाँ इन्वेस्टमेंट जितना आपने किया है उसी को निकालने में लग जाएगा। इवन वो जो मैं 6 साल बोल रहा हूँ वो आइडियल कंडीशन में होगा, अगर आपने पैसे खर्चे किए तो फिर वो 10 साल लग जाने वाला है। तो मिनिमम 25% होना चाहिए, 30% वो अच्छी बात है, 40%, 50%, 60% तो और अच्छी बात है, पर मिनिमम 25% होना चाहिए। जैसे कि 25% मतलब 5 लाख का मिनिमम आपको लगना चाहिए, ठीक है। मिनिमम आपको 5 लाख का प्लेसमेंट होना चाहिए जिससे कि आप 2, 3, 4, 5 साल में पूरी तरह से रिटर्न पा सकें, आप इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से निकाल सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है टीचर्स क्वालिफिकेशन। अब टीचर्स क्वालिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे? जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मैंने पढ़ाई की है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कैसा है? वहाँ के टीचर्स के पास एमटेक की डिग्री होनी चाहिए, फिर जो स्टेट पीसीएस है वो एग्ज़ाम लेता है, फिर उसके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। तो जो टीचर्स आते हैं वो एकदम फिल्टर होकर आते हैं, तो बहुत अच्छे टीचर्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, वेल क्वालिफाइड टीचर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ कॉलेजेस में क्या होता है, कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं, अपने ही एलमनी को, अपने ही एमटेक वाले स्टूडेंट को उठाकर आपके बैच में टिका देंगे, वहाँ आपके टीचर्स बना देंगे। तो जिनको खुद का एक्सपीरियंस नहीं है ढंग का, वो आपको कैसे पढ़ाएंगे? का है तो आपके कॉलेज के एलमनी या एमटेक, सॉरी आपके कॉलेज के टीचर्स का क्वालिफिकेशन आपको देखना पड़ेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो 9वां पॉइंट है, वह कॉलेज लोकेशन। अब कॉलेज लोकेशन कहने का मतलब क्या है कि आपका कॉलेज किस जगह पर है। अगर आपका कॉलेज किसी अच्छे सिटी एरिया पर है या किसी अच्छे मेट्रो सिटी पर है या किसी टीयर 1 टीयर 2 सिटी पर है तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि अगर एक एग्जांपल लेते हैं, आपने एक ऐसा कॉलेज चूज किया जो रिमोट एरिया पर है, रिमोट एरिया मतलब जहां ज़्यादा चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं है, आपको एक पेज भी लेने के लिए बाहर 10 किलोमीटर दूर सिटी पर जाना पड़ रहा है, तो वहाँ आपके लिए कॉलेज में पढ़ना ज़्यादा सुइटेबल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? वहाँ कंपनियाँ भी ढंग से नहीं आएंगी। अब कंपनियाँ नहीं आएंगी मतलब क्या है भाई? अगर किसी कंपनी को, आपका कॉलेज अच्छा है तो कोई कंपनी आना चाहेगी तो वो 10, 20, 30, 40 किलोमीटर दूर से भी आ सकती है, 100 किलोमीटर दूर से भी आ सकती है। पर अगर आपका कॉलेज किसी रिमोट एरिया में है तो आपको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, वहाँ आपको किसी भी कंपनी के लिए अप्रोच ढंग से नहीं मिलेगा, तो उतने दूर से कंपनी आपको लेने आएगी जहां आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला है, तो आप उस एरिया से रिक्रूट करेंगे ही क्यों? अगर आपकी कंपनी होती तो आप किसी ऐसे जगह पर क्यों जाते जहां पर बच्चों को अच्छा एक्सपोजर ही नहीं मिलता, वहां से आपको एक से बढ़कर एक बच्चे नहीं मिलने वाले। तो ऑफकोर्स ही बात है, वहां से कोई कंपनी आपको उठाने नहीं आएगी। तो रिमोट लोकेशन में होना, यहाँ पर मैंने कॉलेज लोकेशन लिखा है, मतलब ऐसे नहीं है कि आप किसी मेट्रो सिटी पर पढ़ते हैं, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर कॉलेज है तो आप वहाँ पर कॉलेज में एडमिशन मत लीजिए। मेरे कहने का मतलब है रिमोट एरिया, जैसे कि कोई जंगल वाले एरिया पर भी कभी कभी कॉलेज होता है, तो ऐसे जगह पर कॉलेज लेना बेवकूफ़ी होगी बिल्कुल, वहाँ आपको ना एक्सपोजर मिलने वाला है ना तो अच्छे अच्छे कंपनी आपको अप्रोच करने आएंगे, तो वहाँ से आप प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो आप जरूर कॉलेज लोकेशन पर भी ध्यान दीजिएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो है हॉस्टल एंड फैसिलिटीज़। अब आप किसी कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, आपको वहाँ अच्छे हॉस्टल्स प्रोवाइड नहीं किए जाते,
हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किए जाते, साथ में जिमिंग की सुविधा नहीं है। अब जिम देखना आपकी मर्जी है, पर हॉस्टल्स देखना इम्पॉर्टेंट बात है। अब वहाँ पर आपको हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किया जाता, अब हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो आपको एक्स्ट्रा कहीं लॉज में रुकना पड़ेगा, या तो लॉज या पीजी में रुकना पड़ेगा। अब वहाँ पर आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, तो आपको हॉस्टल्स भी देख कर जाना है। साथ में हॉस्टल्स में आप सुविधाएँ भी देखें कि वाईफाई है, जिम है, फूडिंग, लिविंग रूम, स्टडी रूम अवेलेबल है या नहीं। अब कुछ ऐसे हॉस्टल्स भी आपको मिलेंगे जहाँ इनकी फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं होंगी, वहाँ पर आपको एक रूम दे दिया जाएगा, आपकी फूडिंग आपको सारे काम बाहर से मतलब थर्ड पार्टी से करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो वैसे कॉलेज में जाने का कोई मतलब ही नहीं है जहाँ आपको सुविधाएँ नहीं मिलती, पैसा लेकर भी आपको अगर सुविधा नहीं दे रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सारे बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉलेज अकॉर्डिंग टू ब्रांच। अब कुछ कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो ब्रांच के लिए फेमस होते हैं, ठीक है, ब्रांच के लिए फेमस होते हैं, वहाँ से ब्रांच से अच्छे प्लेसमेंट लगते हैं, वहाँ का ब्रांच बहुत अच्छा होता है, वहाँ पढ़ाई भी A1 पढ़ाई होती है। तो वैसे कॉलेज में जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है IIT बॉम्बे, वहाँ CSE, मैक, सिविल, वहाँ के सारे ब्रांच अच्छे हैं भैया, IIT बॉम्बे है, ठीक है, वहाँ के सारे ब्रांच ही अच्छे होंगे। अब आप बोलेंगे कि ऐसे जगह का आप नाम बता रहे हैं जहाँ के सारे ब्रांच अच्छे होंगे, तो क्या मतलब। तो मैं एक और भी कॉलेज बताना चाहूँगा, PSG कोयम्बतूर, वहाँ का सिविल बहुत फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वहाँ अच्छे अच्छे प्लेसमेंट भी होते हैं। तो PSG कोयम्बतूर वहाँ सिविल फेमस है। ऐसे आपके स्टेट्स में, आपके बाहर वाले स्टेट्स में इतने सारे आपको कॉलेज मिलने वाले हैं जहाँ का कोई ब्रांच फेमस होगा, तो ऐसे कॉलेज में जाना बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा, तो आप उसको भी ध्यान दीजिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनीज अप्रोच एंड नेटवर्क, ये जो पॉइंट है इसको कोई कंसीडर नहीं करता, पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया? कंपनीज अप्रोच का मतलब क्या है? आपने कई बार किसी कॉलेज का टेक फेस्ट देखा होगा, कोई टेक फेस्ट के स्पॉन्सर्स का ध्यान नहीं देता, पर आपको इवन स्पॉन्सर्स का भी ध्यान देना है। कोई स्पॉन्सर्स का ध्यान देते हैं आपको, किसी टेक फेस्ट में जाते हैं, इंजीनियर्स डे में जाते हैं, तो वहाँ देखिएगा, इंजीनियर्स डे में जाते हैं तो वहाँ देखिएगा बड़े बड़े कंपनी जैसे कि रेडियो मिर्ची, इंफोसिस, ये सारे बड़े 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 कंपनियाँ वहाँ अप्रोच करती हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट वहाँ के लिए स्पॉन्सर्स करती हैं, साफ सब लैंग्वेज में बोला जाए तो स्पॉन्सर करती हैं। तो वो कंपनी सिर्फ स्पॉन्सर करके भाग नहीं जाती है, वो आपके कॉलेज के साथ एक अच्छा रिलेशन भी बनाती है। तो इन केस आपके कॉलेज से कोई स्टार्टअप करता है तो वो हो सकता है वो कंपनीज पहले अप्रोच करें, पहले इन्वेस्टमेंट के लिए आए, या तो आपकी कंपनीज में बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर में भी कोई कंपनियां पार्टिसिपेट करती है, तो वो कंपनियां भी आपके काम आने वाली हैं। तो किसी कॉलेज को जब आप देखेंगे तो उसमें कैसे कैसे कंपनियां अप्रोच करती है, कैसे कैसे कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं स्पॉन्सर करने में, उसको भी ध्यान दीजिएगा, उससे आपको बेनिफिट जरूर ही मिलने वाला है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है चेन ऑफ कॉलेज। अब चेन ऑफ कॉलेज का कहने का मतलब क्या है? तो जैसे कि मैं अपने कॉलेज का बताऊँ तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे चेन थे, रायपुर का था चेन, इवन दूसरे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी हमारे पास अवेलेबल थे। तो यहाँ पर हमारे पास जो चेन अवेलेबल था, तो चेन अवेलेबल था कहने का मतलब क्या है? हमारे पास ग्रुप ऑफ कॉलेज हैं जो सेम फ्रेंचाइजी के हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वो भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो यहाँ पर इंटर कॉलेज कंपटीशन होता है जहाँ आपको आपको अच्छे एक्सपोजर मिलेंगे, अच्छा आपको मौका मिलेगा अपने आप को फील करने का, अपने टैलेंट को दिखाने का, ठीक है। तो यहाँ इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होते हैं, वहाँ आपको हो सकता है सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो, इंटर कॉलेज आप अपने कॉलेज में कॉम्पीट करते हैं 100 लोगों के बीच में, लेकिन इंटर कॉलेज हुआ तो आप वहाँ कम्पीट करेंगे 500 लोगों के बीच में, तो आपको अपना टैलेंट दिखाने का ज़्यादा बड़ा मौका मिलेगा, साथ में आपको ज़्यादा अच्छे एक्सपोजर्स मिलेंगे अपने आपके लिए खुद के लिए। तो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में आपके पास सिर्फ सिंगिंग या क्विज का नहीं होगा, गेम्स भी होंगे, बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होंगे, साथ में एट द एंड आपको प्लेसमेंट भी इंटर कॉलेज, कभी कभी ओपन कैंपस होता है, ओपन कैंपस में आपको, या इंटर कैंपस बोल लीजिए, इंटर कैंपस कंपनीज रिक्रूटमेंट करती हैं। तो किसी एक कॉलेज में हो रहा है वहाँ पर इस उसी फ्रेंचाइजी के दूसरे कॉलेज भी जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा मौका मिलेगा। अब आप सोचिए आपके कंपनी में, आपके कॉलेज में 30 कंपनियाँ आती हैं, अब आपने इंटर कॉलेज किया तो आपके कंपनी, आपके कॉलेज वाले जो इंटर कॉलेज जो कंपटीशन होगा या जो प्लेसमेंट के लिए जो सेल बैठेगा उसमें 100 कंपनियाँ आ रही हैं, तो हो सकता है आपके
जॉब लगने के चांस, आपको कोई रिक्रूट कर ले, इसके ज़्यादा चांसेस होंगे। तो आपको कॉलेज के चेन भी ध्यान में रखना है। अब जो हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, वो है फ्यूचर ऑफ ब्रांच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, किसी ब्रांच को चूज करेंगे, अब उसको ब्रांच का फ्यूचर ही नहीं है तो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने मैकेनिकल सिविल लिया तो ये तो एवरग्रीन ब्रांच है, पर आपने मैकेट्रॉनिक लिया, आप हो सकता है कोल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इवन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई ब्रांच चूज किया है, तो आप सोचिए कि इन फ्यूचर प्लास्टिक्स जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट हैं उनके स्कोप ज़्यादा हैं, क्योंकि सारे जितने भी लोग हैं वो वेस्ट ही फैला रहे हैं, पर उनको मैनेजमेंट के लिए एक अच्छा बंदा चाहिए, उनको जो मैनेजमेंट अच्छा दे सके। तो अब ऑफकोर्स ही बात है कि फ्यूचर में वेस्ट मैनेजमेंट वाले ज़्यादा कंपनी बनेंगे भैया, जब ज़्यादा वेस्ट बढ़ेगा तो ज़्यादा वेस्ट मैनेजमेंट वाले कंपनी बनेंगी, ज़्यादा कंपनियों की जरूरत होगी तो वहाँ ज़्यादा रिक्रूटमेंट के लिए चांसेस बनेंगे। अब आप ऐसा किसी ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहे हैं जिसका फ्यूचर में स्कोप ही नहीं है, तो फिर ना तो आपके ब्रांच का कोई फायदा है, ना तो आपको कॉलेज वॉलेज चूज करने में कोई अच्छा ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, और इनको इसके बारे में जानने के लिए आपको क्या करना है, उसी कॉलेज में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज के एलमनी और टीचर्स को जाकर अप्रोच करिए, उनसे बात करिए, उनसे पता लगाइए कि वो ब्रांच कैसा है, वहाँ आपको कैसा एक्सपोज़र मिला। तो हम अब अगर आपको ऐसा एक्सपोज़र मिला है तो हमें कैसा एक्सपोज़र मिलेगा, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं। और मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी कॉलेज में 4 साल अपना दे रहे हैं तो 4 दिन इन्वेस्ट करने में, इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने में कोई घाटा नहीं है। किसी कॉलेज में आपको 4 साल देना है तो 4 दिन ऑफकोर्स ही बात है रिसर्च कर लीजिए, आपके लिए वो बेनिफिशियल ही होगा। तो इसके लिए आप हमेशा सजग रहिएगा, ये आपको इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो ध्यान रखना ही है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो है सेल्फ एनालिसिस या कॉन्क्लूजन, समझ लीजिए इसी को, कॉन्क्लूजन समझ लीजिए। हमें सेल्फ एनालिसिस भी करना है। सेल्फ एनालिसिस का कहने का मतलब क्या है, आप हो सकता है किसी कॉलोनी में रहते होंगे, उस कॉलोनी में 10 बच्चे आपको वहाँ मिलने वाले हैं, कोई बच्चा होगा होशियार, कोई बच्चा होगा गधा, कोई बच्चा होगा एवरेज। मान लीजिए आप 5th रैंक में, उस कॉलोनी के बच्चों में आपका रैंक 5th है। अब कोई बच्चा जो है 1st रैंकर वो जाता है IIT में, या IIT छोड़िए, अगर उसका IIT में होगा तो ऑफकोर्स IIT जाएगा, उसे कोई गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज नहीं मिलता तो वो जाएगा मान लीजिए SRM में जाता है, तो SRM का आप फी देखिए। अब वो बच्चा होशियार है और SRM में जा रहा है तो वो कवर कर लेगा, आप क्या हो 5th रैंक में हो, तो आपको अपना रैंक भी ध्यान में रखना है, आप कितने पानी में हैं ये भी ध्यान रखिएगा। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने बड़ा कॉलेज लिया तो आप उसको कवर नहीं, आप हो सकता है आप कैच कर लें, लेकिन इन बातों का भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका स्टैंडर्ड कैसा है, ठीक है। हो सकता है आप SRM में जाएं, आप 30 लाख खर्चा करें पर आपको वैसा रिजल्ट ही ना मिले, क्योंकि वहाँ आपको ऐसा एक्सपोजर ही नहीं मिला, ठीक है, या आप कर ही नहीं पाए उस काम को। तो अपने बारे में भी हमेशा ध्यान रखिएगा। साथ में सेल्फ एनालिसिस का कहने का मतलब ये है, अगर आप ये वाला जो पॉइंट है उसके कारण मेरे से डीमोरलाइज हो गए होंगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको डीमोरलाइज करना नहीं है, मैं आपको बस सही बातों से सजग कराना चाहता हूँ, जो बातें ग्राउंड की बातें होती जो रियल में आपके काम आएंगी उन बातों से आपको सजग कराना चाहता हूँ। तो आप अपना स्टैंडर्ड देख के भी कॉलेज जाइएगा। साथ में यहाँ पर एक और बात आता है कि कोई आपका फ्रेंड है जो पैसे वाला है, ठीक है, आप आते हैं कॉमन फैमिली से, आपका दोस्त है पैसे वाला, वो चले गया BIT, वो चले गया BITS, एग्ज़ाम क्रैक करके ही जाएगा भैया, ऐसे तो नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट कोटा से मान लीजिए कि वहाँ चले गया, आपका वहाँ जाने का मतलब क्षमता ही नहीं है। अगर आपके घर में उस वहाँ पर जाने के लिए आपके घर वालों को 50 लाख लोन लेना पड़े, तो उन बातों को भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप कैपेबल हैं तब वहाँ जाइए, पर अगर आप कैपेबल नहीं हैं तो आपके घर में पैसा इतना खर्चा कराने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट। अगर आप एजुकेशन लोन भी ले रहे हैं तो इस बातों को ध्यान रखिएगा कि आपने एजुकेशन लोन लिया है, तो फिर आपको अच्छे ब्रांच का भी चुनाव करना पड़ेगा, आपको अच्छे प्लेसमेंट भी लेने पड़ेंगे ताकि आप उस लोन को चुकता कर पाएं। तो हमेशा हवाबाजी पर कॉलेज चूज मत करिएगा, या हवाबाजी से अपनी पढ़ाई मत करिएगा, ये आपको लाइफ को बनाएगा, आपके फ्यूचर को, यही आपके फ्यूचर के लिए बेस बनेगा, तो इस चीज़ों को ध्यान देना ही है आपको, ठीक है। तो सेल्फ एनालिसिस इन सारे पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एनालिसिस आपको क्या करना है कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए, आप ग्राउंड रियलिटी में हमेशा रहिएगा, हवाबाजी नहीं करना है,
ठीक है, ऊपर उड़िएगा मत, जमीन पर चलिए, धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर बढ़ना है, डायरेक्ट जंप नहीं करना है, ठीक है। तो आप सीढ़ी दर सीढ़ी चलिए, तो आपको इन सारे बातों को ध्यान में रखना है, सारे बातों को ध्यान रखिएगा। साथ में मैं इसी टाइप के वीडियोस फ्यूचर में भी डालने वाला हूं, तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।